नमस्कार एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मास्टर। अब नजर डाल लेते हैं जयपुर से एक बड़ी खबर। शास्त्री नगर सहायता केंद्र से हर रोज कई सौ आदमी लाभ उठा रहे हैं। आमजन को मिल रही है निःशुल्क सहायता। दूर दराज से काम लेकर लोग जयपुर पहुंच रहे हैं। शास्त्री नगर भट्टा बस्ती में पप्पू कुरेशी के आवास पर निःशुल्क सहायता केंद्र कुछ दिनों पहले उद्घाटन किया गया था। आपको बता दें कि सहायता केंद्र आम जन के लिए राहत का काम कर रहा है और लोग दूरदराज से आकर इसका फायदा उठा रहे हैं और आम जनता के लिए निःशुल्क तमाम योजनाओं की जानकारी सहित तमाम स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही छत के नीचे सभी काम भी किए जा रहे हैं जिससे जनता काफी खुश नजर आ रही है। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने कुछ स्थानीय लोगों से बात की। उन्होंने कहा, हमें बहुत फायदा हुआ है और हमें अभी इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा। सब काम हमारे यहीं पर ही हो रहे हैं। और वर समाज से पप्पू कुरेशी ने कहा, हम हमेशा मैदान में रहते हैं और जनता के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और आगे भी इसी तरीके से करते रहेंगे। और मेरी तमाम समाज के जिम्मेदार लोगों से अपील है कि हर एक क्षेत्र में इस तरीके से केंद्र खोले जाए ताकि जनता को छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और अब तक करीब 3,000 से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और यहाँ से लाभान्वित हो चुके हैं। जी, मैं पहले बहुत परेशान हुआ था, मेरा राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था। अब यहाँ आके मेरे को थोड़ी ऐसी सुविधा मिली है कि मेरा राशन कार्ड बन रहा है और जो भी चीजें हैं यहाँ पे पता करने पे सब चीजें बताई जा रही है। और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना, उसके लिए भी यहाँ पूछताछ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत आसानी से पूछताछ हो रही है मेरी। नहीं तो वैसे मैं कलेक्टर भागा, इधर भागा उधर भागा, कहीं मेरे को बस धक्के खाने मिले। यहाँ पे आके बहुत सुविधा मिल रही है मेरे को, एक जगह यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं, भागा दौड़ी से बच रहा हूँ। नहीं तो हर कोई मेरे को चक्कर ही कटाता है। मैं आया हूँ विद्यानगर साइड से और मैंने दो तीन जनों को और बोला है, वो भी नाई की थड़ी से इधर ही आ रहे हैं क्योंकि उनको भी फायदा यही नजर आ रहा है। पैसा खर्च होने के बाद भी काम नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ लगता है काम हो जाएगा 100%। मैं शास्त्री नगर सेक्टर नंबर 3 सेक्टर नंबर 3। हाँ, वो सिविल लाइन विधानसभा। हाँ, क्या नाम है आपका? कमला देवी। आपने यहाँ क्या काम, किस काम से है? पेंसिल के लिए, पेंसिल कार्ड के लिए। हो गया आपका काम? हो गया। आपको कैसा लगा यहाँ कर? क्या आपको आसानी लगी काम होने में या कोई दिक्कत का कठिनाई हुई? नहीं, आसानी लगी, आने का ही समय लगा लेकिन यहाँ टाइम से काम हो गया। शास्त्री नगर से। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। हैं? रेखा देवी। आप किस काम से आए थे? मैं बनवाने आया आयुष्मान कार्ड और जो मेरा राशन कार्ड बनवाने आई। तो क्या आपने अप्लाई कर दिया? अप्लाई पर्ची बनवा के लाई है, अभी तक तो मेरा नंबर नहीं आया, अब आएगा नंबर। तो आपको यहाँ का हिसाब देख के काम काज जिस तरीके से हो रहा है आपको क्या महसूस हो रहा है? नहीं, जल्दी हो जाएगा काम, हो जाएगा और जगह से। किसने बताया आपने? हमारे पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने बताया आंटी जी ने कि वहाँ पे बन रहे कागज वागज, तो आप भी मतलब वो यहाँ से बनवा के गए हैं। हाँ, तो हमें भी बताया कि आप भी बनवाना चाहते हो तो आप भी चाहे। देखिए, लोग तो मेरे ख्याल से जयपुर की सभी विधानसभा और सभी वार्डों से आ रहे हैं यहाँ। परसों भी मैंने देखा, दो तीन लेडीज बता रही थी, हम चार दरवाजे से आए हैं, हमारा काम हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं होगा, ईदगाह से आ रहे हैं, चार दरवाजे से आ रहे हैं और आदेश नगर नाई की थड़ी, मतलब जयपुर से दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी जितनी भी माता और बहनें खासतौर पर जो 40 से 50 की उम्र से बाहर जो है, वो जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको यहाँ आकर के ऐसा महसूस होता है कि हमारा सारा काम यही हो जाएगा। बहुत से ऐसी हैं, आते तो राशन कार्ड के लिए लेकिन पता लगता है मजदूर डायरी भी यही बन रही है, आयुष्मान कार्ड भी यही बन रहा है, तो उनको इतनी संतुष्टि मिलती है कि छत के नीचे सारे काम होने पे, तो वो जाती टाइम इतनी काम होने के बाद इतनी संतुष्टि उनको मिलती है, इतनी खुशी उनको मिलती है कि हम 10 जगह जाके चक्कर काटते तो शायद ये काम नहीं होता जो एक जगह हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए ना, ये बहन बैठी थी अभी जो इसने कहा कि मेरी सर्टिफिकेट टिकट बन जाएगा, कि मैंने कहा बिल्कुल सब बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है ना, लोगों को बहुत से डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो लोगों पूरी जीवन में नहीं बना पा रहे या किसी कारण भी, या उनको पता नहीं है कैसे बनेंगे, तो सारे काम यहाँ हो रहे हैं। और उसके अलावा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना है उनका लाभ कैसे मिलना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग देना, उसकी जानकारी देना कि उनका लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, जिसका पता ही नहीं है लोगों को ढंग से कि ये योजनाएं भी हैं अल्पसंख्यकों के लिए, ओबीसी के लिए और 10वीं पास बच्चों के लिए। अपने डिलीवरी होती है माता बहनों की जो बेटियों की हॉस्पिटल में, उसमें 20,000 लड़के को 21,000 लड़की के डिलीवरी में कैसे मिलने चाहिए, उसका क्या प्रावधान है, ये सारी जानकारियां जो नहीं थी वो सारी जानकारियां यहाँ मिल रही है लोगों को। मैं जयपुर के लोगों से यही अपील करूंगा कि वो यहाँ आए और ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना जो है अपना काम लें, इसकी सेवाएं लें और इसका लाभ उठाएं। और खास तौर पे मैं जयपुर में जो समाज सेवी हैं या
पार्षद गणे या नेता गणे या एमएलए एमएलए हैं जो उनसे भी कहूंगा कि वो अपने अपने कार्यकर्ता जो सक्षम है या पार्षद हैं जो सक्षम है उनसे कहें कि ऐसे सेंटर खोलें।